क्या आप ये बात जानते हैं कि ऐसी कौन सी कविता है जिसको एक बार पढ़ते ही आपकी मौत हो जाएगी। वो कविता इतनी ज्यादा खौफनाक है कि जो भी उसे एक बार पढ़ ले तो उसकी मौत होना तय है। उसे वो कविता पढ़ते ही एक ऐसा श्राप लग जाएगा कि उसकी मौत को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही श्रापित कविता के बारे में जिसे कहते हैं डोमिनोस हेल। मान्यताओं के अनुसार इस श्रापित कविता के लेखक साइजो यासु माने जाते हैं। कहते हैं कि जब साइजो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उनकी मौत के वक्त उनके पास कोई भी नहीं था, तो उन्होंने नर्क की एक रूह से एक श्रापित और खौफनाक सौदा किया। इस सौदे में साइजो यासु ने क्या मांगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बदले में उन्होंने उस नर्क की रूह को एक बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी और श्रापित कविता में दफन कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया डोमिनोस हेल। ऐसा कहते हैं कि इस कविता को लिखने के बाद साइजो यासु की एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसी हजारों कहानियां हैं जिसमें लोगों को ये श्रापित कविता पढ़कर अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है। इस कविता में डोमिनो नाम के एक बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसको उसकी दो बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, उसे मारती हैं, उसे खाना नहीं देती, और अब डोमिनो खुद को एक नर्क में पाता है जो शायद उसकी ही ज़िंदगी है। मैं अपनी जान पर रिस्क लेकर आपके लिए कुछ लाइंस पढ़ने जा रहा हूँ जो कि डोमिनोस हेल की कविता से ली गई हैं, ताकि आप सभी लोगों को इस कविता की वजह से कोई नुकसान ना हो, और अगर हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि ये कविता पहले से ही श्रापित है। एल्डर सिस्टर वॉमिट्स ब्लड, यंगर सिस्टर्स ब्रीथिंग फायर, वाइल स्वीट लिटिल डोमिनो जस्ट स्पिट्स अप द जेवल्स। ये कविता अक्सर सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो इस कविता के असली पहलू को पढ़ते हैं, जो कि जापानीज़ की भाषा में है, क्योंकि अक्सर किसी भी चीज़ का ट्रांसलेशन एकदम सटीक नहीं होता, और शायद यही वजह है कि आज इसको इंग्लिश में पढ़कर मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज आप इस वीडियो में जापानीज़ में भी इस श्रापित कविता की कुछ लाइन्स को सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बात जान लें कि ये आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस श्रापित कविता की कुछ असली श्रापित पंक्तियाँ आपने अभी अभी खुद सुनी। ये कविता बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, और मैं आपको चेतावनी दे रहा कि इस कविता से दूर रहें, क्योंकि वाकई में ये कविता श्रापित है। कहते हैं कि इस कविता को पढ़ने के बाद सिर दर्द होना एक आम सी बात है, और जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो शायद मुझे भी इसका एहसास हो रहा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी दर्शकों में सिर्फ 23% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो अपने प्यार को और दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।